नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राजस्थान के जालौर में बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल हुए थे। पहली बार किसी सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमान को राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतारा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे भागवत ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पटना में आज उन्होंने राजेंद्र नगर क्षेत्र स्थित विजय निकेतन में जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी की। IYC के बाद कांग्रेस के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान सौंपने की पैरवी करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र और जनता के हित में यह जरूरी है, क्योंकि राहुल एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो पुरजोर ढंग से लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। ममता बनर्जी को 25 सितंबर को हरियाणा के जिंद में इंडियन नेशनल लोकदल एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें निमंत्रण दिया गया है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाले इस बड़ी रैली में मोदी सरकार विरोधी देश के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख को शामिल करने का निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें CM नीतीश का नाम शामिल है। इसके साथ ही ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही यह खतरा बना हुआ है। तालिबान की आड़ में सबसे ज्यादा चाल पाकिस्तान और तुर्की चल सकते हैं, जिनका मकसद ही इस्लामिक कट्टरता फैलाना है। हालांकि इस चाल को बेकाम करने के लिए अब भारत और रूस ने एक साथ हाथ मिलाया है। तेजस्वी ने राज्य सरकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग की है। तेजस्वी गुरुवार को गोपालगंज जाने के क्रम में यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं और आगे ये भी कहा कि लालू प्रसाद जी की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है और तबीयत में ऐसे ही सुधार जारी रहा तो वो 15 से 20 दिनों में पटना लौट सकते हैं। कंगना रनौत को करारा झटका लगा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की उस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दर्ज किए गए मानहानि केस को रद्द करने की अपील की थी। बिहार में बाढ़ और अल्पवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 5.5 घंटे से अधिक समय तक यह बैठक चली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने की शिकायत दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गई है। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली के सिविल लाइन में एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद यूट्यूबर कैरी मिनाटी की परेशानी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के RSS को पसंद करने के मामले पर भाजपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि नीतीश कुमार ना ही RSS के गोद में बैठे और ना ही RSS से उनको कोई घृणा है। वो RSS का आदर करते हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना है। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, RSS को भी नीतीश कुमार से भी कोई घृणा नहीं है, RSS उन्हें पसंद करती है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1-1 और तमिलनाडु में 2 सीटों के चुनाव की वोटिंग करवाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद इसका असर पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। इमरान खान सरकार ने शिक्षकों के लिए एक खास ड्रेस कोड बनाया है। महिला शिक्षकों के टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई है। वहीं पुरुष शिक्षक भी जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में साल 2017 में आया आर्बिट्रेशन अवार्ड के खिलाफ DMRC की अर्जी को खारिज कर दिया है। कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस ने 13 सितंबर से शुरू होने वाली आगामी विधानसभा सत्र में जाति जनगणना जारी करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और मैसूर सामूहिक बलात्कार मामले में मुद्दे पर राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर पूर्ण हमला करने का फैसला लिया है। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा चेकबुक को रिप्लेस नहीं किया है तो जल्द करवा लें, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद आप इन चेकबुक से कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को जम्मू जा रहे हैं। वो दोपहर 12 बजे के करीब जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद कटरा जाएंगे। कटरा से पैदल चलकर वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक वो आज रात 12 बजे तक माता वैष्णो देवी के भवन पहुंच जाएंगे और दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में ही रुकेंगे। देश में बीते दिन 43,401 नए कोरोना केस मिले हैं। लगातार तीसरे दिन संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 40,611 लोग ठीक हुए हैं और 339 लोगों की जान चली गई है। वहीं एक्टिव केस में 3 दिन की वृद्धि देखी गई है। बुधवार को कुल सक्रिय मामलों में 2,442 का इजाफा भी हुआ है।
म्यांमार में सैन्य शासन जुंटा के खिलाफ प्रतिरोध का समन्वय करने वाली शदम शैडो सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी विद्रोह का आह्वान कर दिया था। म्यांमार के सैन्य शासन के विरोध में गठित नेशनल यूनिट गवर्नमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष दुआ लाशी ला ने अपने संबोधन में आपातकाल का आह्वान बीते दिन कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को वर्ष 2021 की NIRF रैंकिंग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी की है। इस साल भी ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को देश का बेस्ट शैक्षणिक संस्थान चुना गया है। नितिन गडकरी ने हाल ही में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम जल्द ही देश में कई और जगहों पर इस तरह की हवाई पट्टी बनाने वाले हैं। अभी दिल्ली से आते हुए वायुसेना चीफ ने कहा कि हमें सैन्य हवाई पट्टी में 1.5 साल तक का वक्त लगता है। इस पर मैंने कहा कि हम आपके लिए सिर्फ 15 दिनों में ऐसा काम कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड वालों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी के लोगों को बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने की वजह से अब राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने लोगों को नॉमिनेशन की सुविधा दी है। इसके तहत आप अपनी जगह राशन उठाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का नाम तय कर सकेंगे। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग कमरा आवंटित करने पर विरोध में गुरुवार को भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने निकले। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता भी पहुंच गया और हेमंत सरकार के जयकारे लगाने लगा। भाजपा के लोगों को काला झंडा भी दिखाया गया। एक वीडियो एडिटर और एक रिपोर्टर कल पश्चिमी कारबुल और कार्त HR इलाके में महिलाओं के नेतृत्व में एक विरोधी प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, जब तालिबान द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाया गया और पीटा और प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर 13 किलोमीटर पैदल चलकर वैष्णो देवी माता के द्वार पर जाना चाहते हैं तो भाजपा को क्या ऐतराज है। मोदी जी भी राहुल जी के साथ जाएं, वो बुजुर्ग है, उनका भी हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो कंधे पर बैठकर लेके जाएंगे। आपको बता दें राहुल गांधी के वैष्णो देवी दौरे को लेकर के लगातार भाजपा की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। यूपी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं नहीं स्थापित की जा सकेंगी। लोग घरों और मंदिरों में प्रतिमा स्थापित कर पूजन कर सकेंगे। वहीं अनावश्यक भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अफसरों संग बैठक में दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन फ्यूचर रिलायंस मामले से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे फ्यूचर ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने मार्च में संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। अपनी मांगों के समर्थन में करनाल में आंदोलन कर रहे किसानों ने बुधवार को प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद से सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगा दिया है। वहीं इसी बीच गुरुवार को भी करनाल में इंटरनेट सेवाएं ठप रहेंगी। अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने यह आदेश जारी किया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की वजह से होने वाली सभी मौतों के लिए चिकित्सीय उपेक्षा जिम्मेदार है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक एक चक्रवाती सर्कुलेशन पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान के मध्य भागों पर बना हुआ है। अगले 3 दिनों के दौरान इसी क्षेत्र में इसके बने रहने की संभावना है। इसके लिए देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल बनाए रखने का निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का रुख करने का निर्देश दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रिया वर्मा, टुनटुन यादव, जस्विनी कुमार, रविकांत 1023, नीतीश राणा, स्ट्रेंज नूब, गौतम मांझी, दीपेंद्र कुमार, नरुद्दीन खान, भगवान मिश्र, बबीता देव, नुनु कुमार, राजू यादव, राजेश रंगीला। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बंगाल में होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी को जीत मिलेगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।